अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गाइड। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कमेंट्स किस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो काफ़ी यूज़फुल है। तो चले आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके नाउ सबसे पहले ये देख लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कमेंट का ऑप्शन कहाँ पे गिवन है एंड सेकंडली कि कमेंट करता क्या है, किस काम के लिए आता है। तो कमेंट का ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर आपको कमेंट्स के ग्रुप के अंदर मिलेगा, जिसके अंदर ये सिर्फ कमेंट का ऑप्शन ही आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अच्छा, आप कमेंट करता क्या है, किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कमेंट का काम बेसिकली ये है कि अगर आपको कोई नोट अपने पास लिख के रखना हो, या कोई चीज़ रिमाइंड के लिए आपको रखनी हो अपने पास, या आपको कोई सजेशन किसी को देनी हो, तो उसके लिए जो है वो नॉर्मली हम कमेंट को लिखते हैं। या अगर मैं इसको थोड़ा सा और आसान करूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे स्टूडेंट ने मुझे जो है वो एक ऐसे लिख के जो है वो सबमिट किया है डॉक्यूमेंट, ठीक है, और मैं इसको चेक कर रहा हूँ। तो अब मुझे इसको जो भी टिप्स देनी है या मुझे बताना है कि आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं, तो मैं विद द यूज़ ऑफ कमेंट इसको बहुत ईजी तरीके से दे सकता हूँ। किस तरीके से दूंगा, लाइक फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पे दो पैराग्राफ लिखे हैं और मुझे इसमें करेक्शन करनी है, या मुझे इसको बताना है भाई कि यहाँ पे आप जो है वो इन स्पेलिंग्स को चेक करो, या यहाँ पे आपकी पंक्चुएशंस की गलतियाँ हैं इनको चेक करो। तो ये मैं कमेंट के थ्रू करूँगा। कैसे करूँगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे डेमोक्रेटिक लिखा हुआ है, स्पेलिंग तो ठीक है बट मैं इसको बताना चाहता हूँ कि स्पेलिंग चेक द स्पेलिंग। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा। कमेंट पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको डॉक्यूमेंट में ही जो है वो वर्ड के साइड पे एक पैनल ओपन करके दे देगा, ठीक है। यूज़र मतलब मैं यूज़ करने वाला हूँ, फ्यू सेकंड्स है, मतलब ये कमेंट मैंने कुछ सेकंड्स पहले ही जो है वो यहाँ पे ऐड किया है या कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कमेंट दे रहा हूँ, चेक द स्पेलिंग, ठीक है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे कमेंट दे दिया। अब मैं दोबारा जब इसको सबमिट करूँगा तो ये यहाँ पे ये कमेंट उसको मिल जाएगा कि भाई यहाँ पे मुझे स्पेलिंग जो है वो चेक करनी है, ठीक है। तो इजी हो जाएगा काफ़ी इसके लिए कि उसको पता चल जाएगा कि मेरे इस पैराग्राफ के अंदर ये गलती है और इसको मुझे जो है वो क्या करना है, सही करना है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल सेकंड पैराग्राफ या उसी पैराग्राफ में कोई और भी स्पेलिंग की गलती है, कुछ और उसने जो है वो गलत किया हुआ, लाइक फॉर एग्जांपल मैं उसको यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ग्रोइंग, ठीक है, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। दोबारा मैं जो है वो कमेंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। स्पेलिंग ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट दे दिया। अब इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे एक और सेलेक्ट करके यहाँ पे कमेंट देना चाहता हूँ, इट मीन्स कि मैं यहाँ पे जितने कमेंट देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे इजीली दे सकता हूँ, ठीक है। आप जिस पे भी माउस ओवर करेंगे वो बता देगा कि ये इस पर्टिकुलर वर्ड के लिए जो है वो कमेंट लिखा गया है, ठीक है। अगर कमेंट को डिलीट करना हो तो बहुत आसान है, आप सिंपली अगर राइट क्लिक करेंगे और डिलीट कमेंट के ऊपर अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये क्या करेगा, कमेंट को डिलीट कर देगा। मैं दोबारा अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड करके इसको दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कमेंट जो है वो ऐड करना इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत ही आसान है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको एक टैब दिया हुआ है रिव्यू का, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर आ जाऊँ तो कमेंट के रिलेटेड ही आपको जो है वो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये ऑप्शंस क्या हैं इनको देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे न्यू कमेंट, ये रिव्यू के अंदर कमेंट्स का ही जो है वो ग्रुप है बेसिकली। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया हुआ है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट का मतलब ये है कि अगर आपको एक न्यू कमेंट ऐड करना हो तो कर सकते हैं, इंसर्ट टैब से तो डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन रिव्यू टैब के अंदर भी आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेकिन वही बात कि न्यू कमेंट कहाँ ऐड करना है, अब देखें अगर आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर लेंगे तो जहाँ आपका लास्ट कर्सर होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मेरा कर्सर यहाँ है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे आपको जो है वो कमेंट ऐड करके दे देगा। तो या तो आप कर्सर रख लें, या तो उस पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट कर लें, या अगर आप पूरे पैराग्राफ के लिए जो है वो कमेंट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब कर्सर यहाँ था तो इसने जो है वो कमेंट यहाँ पे जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। डिलीट करना हो कमेंट तो एक तो मैंने बता दिया कि आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप सिंपली डिलीट कर सकते हैं, या अगर आप यहाँ पे क्लिक करके रखें और यहाँ पे अगर आप डिलीट कर दें तो ये डिलीट कर देगा इसको, ठीक है। अच्छा, प्रीवियस और नेक्स्ट क्या है, प्रीवियस का मतलब ये है कि पीछे वाला जो होगा और नेक्स्ट का मतलब ये है कि उसके बाद वाला जो होगा वो उसको बता देगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है शो कमेंट्स का। अच्छा, शो कमेंट्स क्या करता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसने इन कमेंट्स को, ये आपके कमेंट्स है तो सही लेकिन इसने इसको हाइड कर दिया है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे अगर क्लिक करूँ, ये आपको छोटा सा एक मैसेज का सिंबल, कमेंट का सिंबल बता रहा है कि यहाँ पे कमेंट ऐड किए हुए, ठीक है। अगर मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो आपको कमेंट दोबारा नजर आएंगे, अगर मैं इसको क्लिक करूँ तो ये हाइड हो जाएगा।
लेकिन अगर अगर आपने हाइड भी किया हुआ है तब भी आप कमेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर एक कमेंट यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, सेलेक्ट किया, न्यू कमेंट के ऊपर मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया, तो भी मैं यहाँ पे जो है वो कमेंट यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ईजिली लिख सकता हूँ। क्लोज करना है तो आप इसको सिंपल क्लोज कर दें, कोई इशू नहीं, ये ईजिली जो है वो आपको करके दे देगा। तो बहुत आसान है जो है वो यहाँ पे अगर आपको कमेंट्स को जो है वो ऐड करना हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, काफ़ी यूज़फुल है। अब होगा क्या कि जब मैं ये सब करेक्शंस कर लूँगा, सब बता दूंगा इसको, अब मैं दोबारा जब उसको सबमिट करूँगा तो ये जो है वो यहाँ पे वह सब चीज़ें देख लेगा। इसके अंदर एक और ऑप्शन है, अगर मैं इस कमेंट के ऊपर राइट क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिया हुआ है डिलीट कमेंट के बिल्कुल नीचे, मार्क कमेंट डन, मतलब अगर कमेंट है और अगर उसको आपको मार्क करना है कि भाई ये मैं कर चुका हूँ, तो आप सिंपली अगर इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखें इसने क्या किया, इसको मतलब ये डन हो चुका है, ये मैंने कर लिया है, इसके जो भी मुझे जो है वो गलतियाँ थी मैंने उसको सुधार ली, मैंने स्पेलिंग ठीक कर ली, तो ये डन का जो है वो आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है वो बता देगा। राइट क्लिक करें दोबारा, अगर मैं कमेंट के ऊपर दोबारा राइट क्लिक करूँ, देखें यहाँ पे एक और ऑप्शन दिया है रिप्लाई टू कमेंट, ठीक है, इस कमेंट को रिप्लाई करें। रिप्लाई टू कमेंट का मतलब ये है कि जो कमेंट मुझे लिख के दिया था मैं इसी को ही जो है वो रिप्लाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ भाई कि दिस स्पेलिंग इस करेक्ट, या जो मैं लिखना चाहता हूँ, या मैं बोलूँगा कि भाई ये मैंने जो है वो इसमें इसलिए चेंज नहीं किया, या स्पेलिंग इसलिए ठीक नहीं किया, जो भी इसके अंदर जो है वो चेंजिंग होगी मैं उसको यहाँ पर रिप्लाई कर सकता हूँ। तो ये कुछ ऑप्शंस आपको जो है वो कमेंट्स के अंदर जो है वो दिए हुए हैं, अगर मैं राइट क्लिक करूँ और मैं डिलीट कमेंट कर दूँ तो ये डिलीट कर देगा इसको, ठीक है। तो बहुत ईजी है यहाँ पे कमेंट्स को ऐड करना, काफ़ी यूज़फुल फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो कमेंट का छोटा सा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर वो आपको समझ आया होगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।